फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैं आप सभी को लॉस फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि लॉस फंक्शन, ये जो मशीन लर्निंग में हम लॉस फंक्शन की बात करते हैं तो लॉस फंक्शन क्या होता है। लॉस फंक्शन एक्चुअली ये हमारी जो है, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट होती है वो मैप करता है। जो भी हमने डिसीजन लिया है उसको उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट से मैप करता है। अब देखिए, लॉस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लॉस फंक्शन क्या है, वो सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जो है निकालते हैं, और इसको हम एरर फंक्शन भी कहते हैं। कि मान लीजिए आपने एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल से जो आपकी वैल्यू आई वो एफ एक्स आई और एक्चुअल वैल्यू वाई है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये जो है ये लॉस फंक्शन, ईच ट्रेनिंग का वो लॉस फंक्शन जो है उसको लॉस फंक्शन बोलते हैं। और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एवरेज ओवर द ट्रेनिंग डेटा सेट। मान लीजिए जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है उस ट्रेनिंग डेटा सेट पे आप इंडिविजुअल का जो है लॉस फंक्शन निकालेंगे, और फिर उस लॉस फंक्शन का आप एवरेज या मीन जो निकालेंगे वो क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है। अब देखिए, जैसे इसमें इसके थ्री टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे कि ये थ्री टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले है स्क्वेयर्ड एरर लॉस। स्क्वेयर्ड एरर लॉस, जैसा कि इसका नाम है कि जो एरर है उसका स्क्वेयर करके, तो मैंने जैसे पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया ये आपकी एरर है, सिंगल ट्रेनिंग डेटा की आपकी एरर है और इसका आपने स्क्वेयर कर दिया, तो इसको जो है बोलते हैं स्क्वेयर्ड एरर लॉस, और इसको एल टू लॉस भी बोलते हैं, एल स्क्वेयर लॉस भी बोलते हैं। और जब आप कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं तो इन मीन ऑफ दी स्क्वेयर्ड एरर, जितनी भी आप स्क्वेयर्ड एरर निकालेंगे उनका जब मीन निकालेंगे तो वो मीन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीन ऑफ दी स्क्वेयर्ड एरर कॉस्ट फंक्शन। इसको एम एस ई से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट एरर लॉस। तो देखिए, एब्सोल्यूट एरर लॉस में क्या है कि मे बी हो सकता है कि जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आई, या आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आई, तो आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और स्केयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप जो है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उस एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर लॉस, या इसको L1 लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई स्क्वेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली जो है आपकी जो है एक्चुअल वैल्यू y है और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो fx है, तो आपने दोनों का जो है वो कर दिया है, आपने डिफरेंस निकाल दिया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, तो वो आपका हो गया एब्सोल्यूट। और इस सेम वे में मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या है, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन जो है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए, जो ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है इसको शॉर्ट फॉर्म में आप एम ए ई भी बोल देते हैं, ये आउटलेयर्स के वजह के लिए, आउटलेयर्स में बता चुकी हूँ आपको कि मान लीजिए ये आपके मीन पे ये वैल्यूज़ हैं और कोई वैल्यू यहाँ पे कहीं दूर डिस्टेंस पे लाई करती है, ये वैल्यूज़ क्या बोली जाती है, आउटलेयर्स बोली जाती है। तो आप आउटलेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से मतलब आइडेंटिफाई करता है एब्सोल्यूट एरर एज कम्पेयर टू आपके स्क्वेयर लॉस एरर के। अब नेक्स्ट है हबर लॉस। जो हबर लॉस है, इन दोनों की, जो आपने पहले मीन ऑफ स्क्वेयर एरर एंड मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो एम एस सी एंड एम ई ए, इन दोनों की जो बेस्ट प्रॉपर्टी है उसको ये कंबाइन करता है। तो ये एक तरीके से क्या करता है कि जब हमारी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन डेल्टा, मीन्स स्मॉलर एरर है, आपकी एरर्स बहुत कम है, तो उस केस में हम एम एस को यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपकी कंडीशन लग गई कि जो है अगर आपका जो है एब्सोल्यूट, मतलब जो एरर है आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो अगर लेस देन डेल्टा है, तो उस केस में जो है इसकी वैल्यू आपकी होगी, हबर लॉस की वैल्यू होगी मीन मतलब सॉरी स्क्वेयर एरर, आपकी जो है स्क्वेयर एरर है, हाफ ऑफ द स्क्वेयर एरर, और अदरवाइज जो है ये निकलती है आपकी एम ई ए पे डिपेंड करती है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर पे डिपेंड करती है। तो मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है, और जो ऊपर वाला है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है,
मतलब जब स्मॉल एरर है तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है, और जब एरर ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में ये लीनियर फॉर्म में हो जाता है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी लॉज के क्या क्या टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। इसी में एक बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है लॉज का, ये जो है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, थैंक्स ए लॉट। और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।